अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान बाबा आदिल। नाज़रीन, इस समय हम क्लारूस नयाबत के पास बैठे हैं। यहां पे कुछ धरना है, पानी की किल्लत है, लोगों को बहुत सा समय हो गया। लोगों को यहां पे आप देखिए, यहां पे बहुत सारे लोग हैं। आइए नाज़रीन बात करते हैं इनसे कि इनका क्या मुतालबा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शेरजमान है, मैं बीजेपी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मुबारक एसटी मोर्चा का, मैं इसमें मौजूद हूँ क्लारूस के अंदर। जी, जहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब पता चला किस बात पर कर रहे हैं, वो तो आप देख रहे हो कि ये पानी के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर इनके कहना है कि हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से आप पानी की जो बिल आ रही है, पानी तो हमें आ रहा है लेकिन पानी बिल्कुल गंदा, वो पानी आ रहा है जो माल मवेशी पीछे से पीते हैं, उस पानी की भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से बिल आ रही है। और कल दिन में अचानक ही इनका कहना है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, हमें वो पानी पाइप हमारे बंद कर दिए, पानी काट दिया गया है, जो अमीर लोग हैं उनको हमारी स्टैंड भी चल रहा है, ये लोगों का कहना है। और मैं अपने डीसी साहब कुपवाड़ा से गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैंने अभी एडिशनल डीसी से बात भी की है इस बारे में, तो मैंने उनको कहा है कि तुरंत आप टीम भेजिए यहाँ पर और इसका मुलाजा कीजिए कि क्या मामला है, किस बात पर ये लोग अभी रोड पर निकले। हमने पहले भी ये बात कही थी, हमने डी साहब की नोटिस में भी लाई थी कि डीसी साहब यहाँ पर पानी की बिल आ रही है जो प्राइवेट हो चुका है, लेकिन लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि पानी यहाँ पर गंदा आ रहा है, हमें पानी साफ नहीं आ रहा। अगर हम गवर्नमेंट को पैसा तो भरे लेकिन किस चीज का भरे, अगर हमें फिल्टर का पानी आए, हमें साफ पानी पीने के लिए आए, तो हम पैसा भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन 10 दिन पहले भी ये डी साहब की नोटिस में ये बात आ चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो कल दिन का मामला है गरीब लोगों का, खासकर जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनका पानी बंद कर दिया गया है, तो मैं डी साहब से दोबारा गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग रोड पर निकले हुए हैं, अब किस तरह इनको हैंडल करना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी है, वो जल्द अज जल्द, जहाँ पर कई बीमार ऐसे आते हैं जिनको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, और ऐसा मामले भी आते हैं जिन पर रोड ब्लॉक की हुई है, तो मैं अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द इस पर आए यहां पर और इनकी बात सुने क्या मामला और वो हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना नाम बताइए। गुलाम मोहिद्दीन भट्ट। क्या आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? सर, इधर हमें पानी ही नहीं है जी। अगर होता भी पानी है, अमीरों को रखता है पानी, जो गरीब लोग हैं उनको काटा गया। आप जाकर देखिए, हमें पानी नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनको पानी चलता है, जो यहाँ के मुलाजिम है ये जायत्या चलाते हैं। अगर नजर एक ही नजर करें, अमीरों को भी काटो, गरीबों को भी काटो। इन्होंने गरीबों को काटा, अमीरों को रखा। जो महाना बिल आप आते हैं, जो महाना बिल आती है आपको, क्या आप वो भरते हैं? हम भर देंगे, हमें 12 महीने साफ पानी दे दो, हम बिल भर देंगे। 10 रुपया अलावा ही हम मजदूरी करेंगे, मजदूरी करते हैं हम भर देंगे, तो अगर साफ पानी। लेकिन यानी इस वक्त भी आप पानी देखो उसमें गंदा, बिल्कुल जरासीम है, प्लान दे दो हम। तो अभी आप क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट को? आप देखो ना, हमें काट दिया, गरीबों को काट दिया, ये देखो हमारी औरत सब इधर बैठी है, अमीरों को रखा दिया। अगर काटना था सबको काटना था। कल इधर रोड पर एक जगह पानी चलता था, ऊपर हाई टेंशन लेन को लग, रात के 10 बजे उधर छोटे छोटे बच्चे पावर को लग गए थे, अगर उस वक्त पावर होता बाद में आ गया, फिर पुलिस आ गया, पुलिस उसने वो आज पानी बंद कराया। इधर के जो ये मुलाजिम है उनको उठा, नहीं तो ये जायत्या चलाते हैं, कत्ल होता है। ये जो यहाँ पे एम्प्लॉइज काम पे हैं, वो क्या वो अपनी ड्यूटी देते हैं या नहीं देते हैं? अगर ड्यूटी देते हैं, बस जायत्या चलते हैं। लेकिन आपका हक है ना, आपके अगर कोई शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, इन लोगों के लिए शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पर गंदा पानी लोगों को पिलाकर और गवर्नमेंट के लिए यहाँ से फीस ले जाते हैं। हमने कई बार पहले भी, आज मैं भी इनके साथ जब रोड पर बैठूंगा तब तक मैं भी नहीं यहाँ से उठूंगा जब तक नहीं लोगों की बात सुनाई जाएगी। क्यों कि अगर यहाँ पर इन लोगों का कहना है हमें फिल्टर का पानी चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए, अगर 100 रुपया हम 110 भरेंगे तो क्यों नहीं आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को साफ पानी दे रही, क्यों नहीं इन गरीबों की आवाज सुन रही? हम तब तक, मैं भी आज इनके साथ यहाँ बैठूंगा तब तक नहीं मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा, उठूंगा जब तक। लेकिन सब खुद यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि अगर पानी खराब आता है, यहाँ लोग अपना अगर एम्प्लॉयज ड्यूटी देते हैं तो हमारा हक बनता है कि लोगों को, ये एम्प्लॉयज को कहना कि पानी खराब है वगैरह। अगर इस समय आप ये कर रहे हो तो क्या लग रहा है आपको, ठीक है या हमें अब मतलब पहले पानी दे दो हम फिर? अगर आप बोलेंगे ये गंदा पानी से बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, आप भी मर जाओ इस बीमारी बीमारी से। चलो चलो, वैसा कश्मीर के साथ जुड़ने के लिए जो ये है ना, ये मुलाजिम व्हाट्सएप इनको उठा दो, ये जायत्या यहाँ चलाते हैं। हाँ।